कांग्रेस पार्षद ने किया बहू को घर से बेघर, शिकायत करने पर नंदोई ने दे रहा जान से मारने की धमकी। थाने पहुंची पीड़िता, लगाई न्याय की गुहार। महिला ने ससुर और नंदोई पर लगाए पति को गायब करने का आरोप। गिरवी रखे घर का फायदा उठाकर कराई थी शादी। आपको बता दें कि ससुराल में प्रताड़ना व घर से बेघर करने की शिकायत लेकर भटक रही नवविवाहिता ने आज एक बार फिर से थाने पहुंचकर पार्षद, ससुर सहित नंदोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने न सिर्फ प्रताड़ित कर घर से बेघर करने का आरोप लगाया बल्कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला ने नंदोई पर अपने पति को साजिश के तहत गायब कराने का भी आरोप लगाया है। दरअसल ये मामला आज शहर के बिछिया थाने पहुंचा, जहां पीड़ित नवविवाहिता महिला ने रीवा नगर निगम वार्ड 42 के पार्षद व MIC सदस्य गुलाम अहमद उर्फ मुन्ना सहित परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पार्षद, ससुर सहित नंद और नंदोई द्वारा पति पर पैसा चोरी का आरोप लगाकर गायब करा दिया है और अब उसे घर से बेघर कर दिया गया है। कुछ नहीं हुआ, FIR करवाने आए थे, रोक दिए गया है कि बोले कि मीडिया वाले आए तो FIR नहीं होगा। क्यों? अब ये नहीं पता क्यों। क्या शिकायत क्या है आपकी? शिकायत ये है कि कल मेरे भाई को रोक के नूर खान तकिए मोड़ के पास बोला कि बेटा ऐसा एक लौता है तो मिटा देवे, नहीं तो हम लोग के नाम रिपोर्ट कटवा दे। जान से मारने की धमकी दिया है हम लोग को। कौन है, कहाँ का है ये? यहाँ पे कौन लगता है नूर खान? नंदोई है मेरे। ये आपके पति आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते मेरे साथ। मेरे पति के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगवा के गायब करवा दिया है और कल इन लोग न्यूज़ में भी बोले हैं कि पत्नी चोरी करवाई। जब पत्नी चोरी करवाई थी तो मेरे नाम रिपोर्ट क्यों नहीं किए थे? अब क्यों आज मेरा नाम क्यों ले रहे हैं वो लोग? जब उन लोग को शक था मेरे ऊपर तो मेरे नाम रिपोर्ट करवाती ना। जब अपने भाई के नाम करवाई तो मेरे नाम भी करवाती। आपके साथ क्या घटना हुई है सब सवाल में? हमारे साथ ये घटना हुई है, पहले मेरी शादी इन लोग जबरन करवाया नूर गहन रख के घर को। फिर उसके बाद जब शादी हो गई मेरी तो इन लोग परेशान करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, मार पीट करने लगे नंद आनंदोई। और फिर उसके बाद जब इनका ये समझ गए कि अब ये घर से न निकलेगी तो इनका कुछ प्लान नहीं काम किया तो इन लोगों ने हमको जहर पिला दिया। और जहर पिलाने के बाद इन लोग मेरे ट्रीटमेंट करवाए, एक पैर से खड़े रहे, ये बात सही है, पर क्यों खड़े रहे? क्योंकि हम बयान न देते। और जब बयान वन हमारा हॉस्पिटल में हो गया, जब इन लोग जान गए कि अब कुछ ना कर पाएगी ये, तो इन लोग आना जाना भी कम कर दिए। और जब मेरी हॉस्पिटल से 3 दिन बाद छुट्टी हुई है ना, मेरे पापा सबको फ़ोन लगा के बताया कि छुट्टी हो रही, अपने घर ले जाओ अपने बहू को। तो इन लोग बोले कि अपने घर ना ले जाएंगे, आप लोग अपने घर ले जाइए है ना, 2-3 दिन बाद हम बुला लेंगे। अब बुलाए नहीं, और कहते कि हम बुलाए हैं तो आप चलिए हमारे मोहल्ले वाले से पूछिए कब आए हैं ये लोग हमको बुलाने। एक बार भी बुला नहीं है। हमारे पति पता नहीं कहाँ, इन लोग गायब करवाए, 2 महीने से गायब करवाए। और कहती कि 2 महीने से हम लुकाए अपने पति को, आप लोग चलिए हमारे घर में किसी वक्त आके जांच कर लीजिए। इस संबंध में आपने अपने ससुर से बात की है क्या? कि ससुर क्या कहते हैं? वो ससुर कहते हैं कि हम ना रखेंगे, जो करवाना है करवा लो, FIR करवाना है जो करवाना करवा लो, हम ना रखेंगे। मुन्ना पार्षद गुलाम अहमद, मुन्ना पार्षद कौन से वार्ड के पार्षद? 42 वार्ड वर्धमान में पार्षद हैं जी। और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं नगर निगम में जी। कल हुई थी, हम बोले कि ये रफा दफा करवाइए केस है ना, तो हम वो मैडम बोली FIR करवाओ, तो ये बोले कि हाँ FIR करवाओ चाहे जो करवाओ केस रफा तक। मीडिया आएंगे, शिकायत नहीं करनी जी, तो शिकायत दर्ज नहीं होगी। अंदर बोले कौन? मैडम बोले।